Periodic loading is a loading which follows a particular pattern in time, repeatedly follows a particular pattern. So harmonic loading जो हमने last lecture में पढ़ी थी, वो periodic loading का एक special case बन जाती है, जिसमें sinusoidal pattern बार-बार repeat हो रहा है. So अगर आप harmonic loading को देखें, तो वो ऐसी थी कि एक sine pattern follow हो रहा है, ठीक है? So periodic loading में जरूरी नहीं है कि वो sine pattern ही हो, वो कोई pattern भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो repeatedly follow हो time में. For example एक ऐसा pattern के जो ऐसे है, फिर ऐसे, ठीक है, लेकिन जो भी शेप है पैटर्न की वो बार बार एक खास टाइम के बाद, जो कि एक कांस्टेंट टाइम होगा, उसके बाद वो रिपीट होगी. तो ऐसी लोडिंग को कहते हैं पीरियोडिक लोडिंग, ठीक है. सो हार्मोनिक लोडिंग असल में पीरियोडिक लोडिंग का एक स्पेशल केस बन जाता है, जिसमें वो पैटर्न जो है वो साइन पैटर्न होता है. सो पीरियोडिक लोडिंग इज डिफाइंड एज P of t is equal to P of t plus capital T, where capital T is the period of the time period of the periodic force. So, जो भी value P of t की एक खास time के बाद है, एक time period उसमें add कर दें तो वही value उसके बाद भी होगी दोबारा से. अगर एक value peak है तो एक time period उसमें add कर दें तो वही value दोबारा repeat होगी. So, ये है periodic loading की mathematical definition. के कैपिटल टी विच इज द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फोर्स, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी. सो अ पीरियोडिक फंक्शन इज वन इन विच द पोर्शन डिफाइंड ओवर अ टाइम कैपिटल टी, जो भी पैटर्न है इस एक साइकिल के दौरान, रिपीट इटसेल्फ इनडेफिनेटली एज शोन इन द फिगर. सो ये जो कैपिटल टी है, इसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा. So many forces are periodic or nearly periodic. For example, under certain conditions, propeller forces on a ship, wave loading on an offshore platform, and wind forces induced by vortex shedding on tall or cylinder structures are nearly periodic. So ऐसी real loadings भी होती हैं, जिसकी कुछ examples दी गई हैं, ठीक है, जैसे wave loading है offshore platform पे या offshore structure पे. सो वेव्स जो हैं वो एक खास पैटर्न से बार बार हिट करती हैं स्ट्रक्चर को. वो पैटर्न हार्मोनिक नहीं होता, लेकिन पीरियोडिक होता है. इसी तरह अगर एक ब्रिज के ऊपर कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, तो वॉकिंग की वजह से जो लोडिंग अप्लाई हो रही है वो भी नियरली पीरियोडिक होगी. एग्जैक्टली तो वो बार बार एग्जैक्टली सेम शेप की तो लोडिंग नहीं होगी, नियरली पीरियोडिक हो सकती है. सो इसी तरह विंड लोडिंग भी कुछ टॉल स्ट्रक्चर्स के ऊपर पीरियोडिक नेचर की हो सकती है. तो हम अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक एज्यूम कर सकते हैं कुछ रियल लोडिंग्स को. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह की डायनामिक लोडिंग अगर हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे अप्लाई हो, यानी ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसके ऊपर जो पी ऑफ टी अप्लाई हो, अगर वो इस टाइप का होगा, ठीक है, तो हमारा यू ऑफ टी या रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट इन्वोक करेंगे वो है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन. इसमें हम कोई नए सिरे से पीरियोडिक लोडिंग के लिए, इस किस्म की या किसी भी और शेप की लोडिंग के लिए रिस्पांस डिराइव नहीं करेंगे, बल्कि फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करके हार्मोनिक रिस्पॉन्स ही को समहाउ यूज करेंगे. पीरियोडिक फोर्स किसी भी शेप की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे लीनियर इंक्रीज, लीनियर डिक्रीज, फिर लीनियर इंक्रीज, लीनियर डिक्रीज. सो एक कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो पीरियोडिक फंक्शन पे अप्लाई होता है, एक ऐसा फंक्शन जो अभी हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कॉन्सेप्ट हमारे सारे काम को बहुत सिंपल कर देगा. वो कॉन्सेप्ट है फोरियर डिकम्पोजिशन का या फोरियर सीरीज का. और वो ये कहता है कि एक आर्बिट्ररी पीरियोडिक फंक्शन है, अगर पी ऑफ टी, periodic function as defined by P of t is equal to P of t plus capital T, where capital T is the time period of that function, कि वो function represent किया जा सकता है instead in terms of summation of simple sine and cos functions. So ये आपने already Fourier series, Fourier expansion, Fourier decomposition, ये सारे इसी के नाम है, ये आपने पहले से देखी होगी basic mathematics के courses में, कि एनी पी ऑफ टी वेयर पी ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन इज इक्वल टू ए नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन प्लस सम ऑफ कॉस टर्म्स
एंड सम ऑफ साइन टर्म्स, और जितनी इसमें कॉस और साइन टर्म्स ऐड करते जाएंगे उतना ये जो सम है राइट हैंड साइड पे, टोटल सम, ये पी ऑफ टी को कॉरेस्पॉन्ड करता जाएगा, उसके ज्यादा करीब होता जाएगा। एन वन से लेके इन्फिनिटी तक है, ए एन बी एन जो है ये कोफिशंट्स हैं कॉस और साइन के टर्म्स के, ए नॉट एक कॉन्स्टेंट कोफिशंट है, इनको फोरियर कोफिशंट्स कहते हैं। ए नॉट, फिर ए वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी, बी वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी, और द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन कैन बी सेपरेटेड और डीकम्पोज्ड इनटू इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट्स इन द फोरियर सीरीज। कॉस और साइन टर्म्स आपको पता है ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं। कॉस लोड के अगेंस्ट मैंने आपको रिस्पांस कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, साइन फंक्शन के अगेंस्ट हमने देखा है डिटेल से, लेकिन चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप बाद में फिर बुक में जो टेक्स्ट बुक है आपकी, चोपड़ा की बुक या बाकी बुक्स, उसमें डिटेल से देख सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं। साइन और कॉस दोनों फंक्शंस के अगेंस्ट रिस्पांस एक ही जैसा है। कॉस के अगेंस्ट यानी अगर पी ऑफ टी इक्वल होता हमारे सम पी नॉट इनटू कॉस ओमेगा बार टी, इस किस्म की लोड के लिए अगर आप रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे तो वो भी वही आएगा जो साइन के अगेंस्ट रिस्पांस आया है, एक फर्क के साथ। और वो फर्क ये है कि फाइनल रिस्पांस की इक्वेशन में जो कोफिशिएंट, क्योंकि हमने देखा था ना फाइनल रिस्पांस की जो इक्वेशन थी उसमें बाकी टर्म्स तो थी बट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की शेप थी, तो फर्क सिर्फ ये होगा कॉस के केस में कि ये जो बी है ये कॉस के साथ आ जाएगा और ये जो ए है ये साइन के साथ चला जाएगा, ये कोफिशंट्स आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा रिस्पॉन्स वैसा ही रहेगा। सो इस किस्म की लोडिंग के लिए हमने डिटेल से नहीं देखा रिस्पॉन्स को डिराइव करना, लेकिन अगर आप बुक में देखें तो इस फर्क के साथ ये वही रिस्पॉन्स है जो हार्मोनिक का रिस्पॉन्स है। सो इसका मतलब है कि ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इनको हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, और अगर हम हमें इंडिविजुअल हार्मोनिक फंक्शंस के अगेंस्ट रिस्पांस पता हो, और जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से देखा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पी ऑफ टी को जो पीरियोडिक फंक्शन था हमारा ओरिजिनल, इसको एक्सपैंड करें फोरियर सीरीज में, और इंडिविजुअल टर्म जो हैं, जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पांस कैलकुलेट करके उन रिस्पॉन्सेज को जमा कर दें, तो वही रिस्पॉन्स आएगा जो पी ऑफ टी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो ये है बेसिक आइडिया पीरियोडिक फंक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने का, कि हम अलग से कोई रिस्पॉन्स डिराइव नहीं करेंगे बल्कि पीरियोडिक फंक्शन को डीकम्पोज करके उसके इंडिविजुअल टर्म्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं वो हार्मोनिक फोर्सेस बन जाएंगी फिर। तो अगर ये पी ऑफ टी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप समझे कि हमने फोर्स को कई कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। ये जो ए नॉट है ये एक तरह का कांस्टेंट फोर्स बन गया, अगर ये पी ऑफ टी फोर्स है तो ये ए नॉट एक कांस्टेंट फोर्स बन गया, फिर ये कई फोर्सेस होंगी जो कोसाइनोसाइडल फोर्सेस होंगी, और फिर कई फोर्सेस होंगी जो साइनोसाइडल फोर्सेस होंगी। अब इस आइडिया की एक खूबी ये है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम एन वन से लेके बहुत हाई नंबर तक जाएं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना मैथमेटिकली, तो पहली कुछ टर्म्स अगर कॉस की और पहली कुछ टर्म्स अगर साइन की ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम पार्ट रिस्पॉन्स का कैप्चर कर सकते हैं। सो लिहाजा पहली तीन चार टर्म्स, इसकी भी पहली तीन चार टर्म्स प्लस ए नॉट, इनको जमा करें, इनके रिस्पॉन्सेस को जमा करें और वो पी ऑफ टी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो ये आइडिया कि एक पीरियोडिक फंक्शन को इस तरह साइन और कॉस में तोड़ा जा सकता है फोरियर डिकम्पोजिशन कहलाता है, और ये सबसे पहले जाहिर है जोसेफ फोरियर ने, इस टाइम में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने प्रपोज किया, और उसके बाद बाकी जो रिसर्चर्स थे उसके टाइम के, उनमें भी उनकी राइटिंग्स में भी इसका कॉन्सेप्ट मिलता है, और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसकी डिटेल डेरिवेशन वगैरह अगर आप देखें तो आपको एर्विन क्रेजिक की बुक में मिल जाएंगे, फोरियर एनालिसिस के नाम से चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल से इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी। अभी हम करते ये हैं कि हम इसके जो कोफिशियंट्स हैं वो कैसे मालूम किए जाएं ये देखते हैं, बिकॉज देखें अभी इसमें जो अननोन्स हैं वो ए नॉट ए एन और बी एन है, एन वन से लेके इन्फिनिटी तक,
अगर ये कोफिशियंट कैलकुलेट हो जाएं, तो हम किसी भी फंक्शन को इस तरह डिकम्पोज करके फिर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अगेंस्ट रिस्पांस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये करते हैं कि ए नॉट कैलकुलेट करने का एक तरीका देखते हैं। अगर हम इस ओरिजिनल पीरियोडिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके कैपिटल टी तक टाइम में, तो ये ऐसे ही है जैसे हम फोरियर सीरीज को, इसकी जो फोरियर सीरीज बनती है पी ऑफ टी की, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से कैपिटल टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डिटेल से तो आप एर्विन क्रेजिक की बुक में देखेंगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन सिंपली इक्वल होगी ए नॉट टाइम्स कैपिटल टी के, बिकॉज जब आप ये इंटीग्रेशन इंडिविजुअल टर्म्स पे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये डिटेल आप मेजर टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें, तो ये इंटीग्रेशन सिंपली ए नॉट इंटू कैपिटल टी के इक्वल आएगी। और यूं आप ए नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह कि आप ओरिजिनल फंक्शन को एक साइकिल के दौरान इंटीग्रेट करें, जो एक साइकिल बनता है 0 से कैपिटल टी, और 1/t कर दें, इससे आपके पास ए नॉट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेट्स से ये पैटर्न है, ठीक है, तो जो एक कैपिटल टी के दौरान जो भी वेरिएशन है उसकी इक्वेशन अगर आपको बना बना लें आप किसी तरह एक कैपिटल टी में, वो इक्वेशन बना लें, तो उस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से कैपिटल टी के दरमियान। अगर लेट्स से वो है जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल साइनोसाइडल है या कोई और वेरिएशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इस तरह चलता जा रहा है, तो जो भी एक है अगर आप उसका एक फंक्शन बना लें, और आमतौर पे इस किस्म के जो पीरियोडिक लोडिंग्स होती हैं उनके पीस वाइज फंक्शन बनाए जा सकते हैं, कि 0 से लेके T/4 तक ये इक्वेशन है, T/4 से T/2 तक ये इक्वेशन है, फिर T/2 से 3T/4 तक दूसरी है, इस तरह फंक्शन पीस वाइज फंक्शन बनाए जा सकते हैं। आपने उनको इंटीग्रेट करना है, 1/t करना है, ए नॉट आ जाएगा। इसी तरह ए एम और बी एम भी इन इक्वेशन से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। पी ऑफ टी अगर आप एक 0 से कैपिटल टी के दरमियान इक्वेशन बना लें, तो उस इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन अप्लाई करें, तो ए कोफिशियंट्स आते जाएंगे, एम को 1, 2, 3, 4 रखते जाएं, और इसी तरह साइन अगर करेंगे तो फिर बी कोफिशियंट्स आते जाएंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक्स में देखनी है कि ये कोफिशिएंट्स कैसे आ गए हैं, और बेसिक आइडिया इनके पीछे ये है कि हार्मोनिक फंक्शंस जो हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं, और वो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास ये कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब एक जरा एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम एक पीरियोडिक फंक्शन को कैसे फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने एर्विन क्रेजिक की बुक से ही लिया। ये हमारे पास एक स्केयर फंक्शन है, स्केयर फंक्शन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 से जाती है और कैपिटल ये के वैल्यू पर चली जाती है। ये के स्टिफनेस नहीं है स्ट्रक्चर की, अभी वो जेन में ना लाएं, के कोई भी कांस्टेंट है, और फिर दोबारा से माइनस के पे जाती है, फिर के, फिर माइनस के, इनके दरमियान ये स्केयर फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है। ये जाहिर है टेक्निकली अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका टाइम पीरियड लेट से 2π है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, वो कैसे, कि 0 से लेके पाई तक ये इसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट, और वो इक्वल होता है पॉजिटिव के के, उसके बाद पाई से 2π तक नेगेटिव के हो जाता है। ये हमने इक्वेशन बना ली, एक पीस वाइज फंक्शन बना लिया एक टाइम पीरियड के दौरान। अब जरा कोफिशियंट कैलकुलेट करते हैं। अब कोफिशियंट देखें, ए नॉट क्या था, ए नॉट था 1/कैपिटल टी, टी 0 से लेके कैपिटल टी तक पी ऑफ टी। यहां मैं लिखता हूं ए नॉट इज इक्वल टू 1/कैपिटल टी 0 से लेके कैपिटल टी तक और पी ऑफ टी डी टी। अब पी ऑफ टी पुट करें जरा 1/t, और मैं यूं कर देता हूं इसको के इसके स्प्लिट कर लेता हूं दो फंक्शंस में, 0 से लेके हाफ टी तक यानी पाए तक,
इक्वेशन एक रही है और वो है के डी टी, और इसी तरह प्लस पाई से लेके 2 पाई तक इक्वेशन बदल गई है और वो है माइनस के और आगे डी टी। सो यू मैंने इंटेग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया बिकॉज इक्वेशन 2 पार्ट्स में थी। अब इंटेग्रल अप्लाई करें, 1/T और ये बन जाएगा के टी, और इसके ऊपर 0 से π तक लगेगी, प्लस आगे माइनस कर दें बिकॉज ये माइनस बाहर ले आए, दोबारा से के टी और इस पर लगेगी पाए से 2π। ये लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, 1/T, बेसिकली कैपिटल टी 2π है तो ये भी पुट कर लें, 1/2π, और यहाँ पे बनेगा ये बन जाएगा पाई के -0, ठीक है, और इसी तरह ये बन जाएगा माइनस है बाहर, ये बन जाएगा 2π के, और दोबारा से अंदर माइनस है तो वो बाहर इसके माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस पाई के, ठीक है। सो ये पाई के और पाई के ऐड अप हो के -2π के से कैंसिल हो जाएंगे और ये ए नॉट हमारे पास 0 आ जाएगा। सो इस स्केयर फंक्शन में ए नॉट जो है वो 0 आ गया जब हमने उसकी इक्वेशन अप्लाई की है। इसी तरह a1, a2, a3 वगैरह सारे वो भी 0 हो जाएंगे, ये आप इंटेग्रल अप्लाई करके देख लें। ए के जो इक्वेशन है वो ये है 2/t, t 0 से लेके वही कैपिटल टी तक, पी ऑफ टी इंटू कॉस एम ओमेगा बार टी, ये भी आप इंटेग्रल अप्लाई करके देखेंगे तो ये भी 0 आएगा। लेकिन साइन वाला जो बी एन के कोफिशियंट्स हैं वो नेगेटिव नहीं है, वो 0 नहीं आएंगे, वो आप अप्लाई करके देखें। अगर वो है ये टर्म, ठीक है, बी के अंदर जितने भी ये हैं ये 0 नहीं आएंगे, बल्कि ये बी एन जो आपके पास है वो ये आ जाएगा इंटेग्रल अप्लाई करने से। उसी तरह आप अप्लाई करेंगे बी एन इज इक्वल टू 2/t, ये इक्वेशन आई थिंक 2/t, और फिर आगे इंटेग्रल ऑफ 0 से लेके कैपिटल टी, बेसिकली ये बन जाएगा टी 2/2π, 0 से 2π, और पी ऑफ टी इंटू साइन ओमेगा बार टी डी टी, ठीक है, और फिर इसमें आप पुट कर दें 2/2π, और फिर ब्रैकेट में इंटेग्रल को स्प्लिट कर लें बिकॉज पी ऑफ टी की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव के है एक दफ़ा नेगेटिव के है, सो लिहाजा 2 इंटेग्रल में तोड़ लेंगे, 0 से π तक जो है उसकी वैल्यू के है, सो के इंटू साइन ओमेगा बार टी, के कॉन्स्टेंट है, डी टी प्लस दोबारा के इंटू माइनस के इंटू साइन ओमेगा बार टी, बिकॉज पी ऑफ टी जो है वो माइनस के हो जाता है फ्रॉम पाए टू 2π, सो माइनस के इंटू साइन ओमेगा बार टी डी टी। सो आप के बाहर चला जाएगा इंटेग्रल के, साइन का इंटेग्रल कॉस हो जाएगा, यहाँ भी कॉस हो जाएगा, कन्वर्ट कर लें और इस इंटेग्रल को लिमिट्स पुट करके एवेलुएट करें, आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बी एन की, ठीक है, फॉर एनी एन। अब आप बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो बी एन को 1 रखें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, एन को 2 रखें आपके पास 0 आ जाएगा इस केस में, इसी तरह एन को 3 रखें तो ये आ जाएगा, 4 रखें फिर 0 आ जाएगा, 5 रखें तो इसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि इवन टर्म्स जो हैं बी की वो 0 हैं, ऑड टर्म्स की कोई वैल्यू है, और वो भी एक पैटर्न है, 4 के ऊपर कांस्टेंट है, नीचे पाई, 3π, 5π, आगे 7π होगा, यानी जो भी एन का नंबर होता है उतने वो एन पाए नीचे होता है, ठीक है। सो 4k/n π आप कह सकते हैं, ये जनरल शेप है सारी इवन ऑड टर्म्स की जो बी की है, बी की सारी इवन टर्म 0 आ गई और ए नॉट और ए सारे के सारे 0 आ गए। अब फोरियर सीरीज में ये सब पुट करते हैं तो आपके पास इस स्केयर फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन आ जाएगी। सबसे पहले जरा उस फोरियर सीरीज में, क्योंकि बिकॉज आपके पास पता है फोरियर एक्सपेंशन क्या है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सम ऑफ ए एन प्लस सम ऑफ बी एन साइन, तो ये पहली दो चीजें तो वैसे ही खत्म हो गई, कॉन्स्टेंट सी कोफिशियंट सी 0 आए, सिर्फ यही टर्म रह गई है, तो इसका मतलब है कि हम ये कर सकते हैं कि अब इनको जरा प्लॉट करते हैं कि अगर मैं फोरियर एक्सपेंशन में
सिर्फ पहली टर्म को लेता हूं, बी वन इंटू साइन ओमेगा बार टी, यानी वैसे तो ये समेशन है ना एन वन से इन्फिनिटी तक, लेकिन सिर्फ पहली टर्म लेता हूं बी वन इंटू साइन ओमेगा बार टी, तो वो तो साइन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसमें अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये साइन फंक्शन है और ये प्लस के और माइनस के से थोड़ा सा करीब करीब है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अब अगर मैं एस टू, तो जाहिर है जीरो होगा, एस टू का मतलब है पहली दो टर्म्स का जमा, तो सेकंड टर्म तो वैसे ही जीरो है बिकॉज बी टू जीरो है, बी थ्री फिर कुछ है 4π/3k, ठीक है 4k/3π, ठीक है। सो एस थ्री का मतलब है पहली तीन टर्म्स का जमा, जिसमें असल में दरमियान वाली टर्म जीरो है, तो पहली और तीसरी का जमा। एस थ्री को अगर प्लॉट करें, यानी फोरियर एक्सपेंशन में सिर्फ दो टर्म्स ली हैं, पहली दो टर्म्स, तो एस थ्री बनता है ये वाली जो है, ये एस थ्री है, ठीक है। ये अब देखें कि थोड़ी थोड़ी इसकी पहली दो टर्म्स को ऐड करने से जो शक्ल है वो स्केयर की तरफ जाना शुरू हो गई है। स्टार्ट इसने लिया था प्योरली जो है वो साइन फंक्शन से, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टर्म्स ऐड होती जा रही हैं, ये अब थर्ड टर्म जो है इंडिविजुअली अगर प्लॉट करें तो ये डॉटेड लाइन है। पहली लाइन जो है ये, अगर पहली टर्म इंडिविजुअली प्लॉट करें तो पहली डॉटेड लाइन है, जब इनको जमा कर देते हैं तो आपके पास ये सॉलिड लाइन आ जाती है। ये असल में हमारी नोटेशन के मुताबिक असल में ये एस थ्री होनी चाहिए। तो ये एस थ्री आपके पास आ रही है, अब ये थोड़ी सी साइनोसाइडल से हट के स्केयर की तरफ शेप जब ऐड हुआ तो शुरू होना शुरू हो गई। अगली टर्म जो होगी वो बी फाइव वाली होगी, जो कि 4k/5π(sin5x) इंडिविजुअली प्लॉट करें तो वो ये होगी। पिछली दो में ऐड करें तो ये सॉलिड लाइन आ जाएगी। बेसिकली ये हमारे नोटेशन के मुताबिक ये एस फाइव होनी चाहिए, तो वो ये सॉलिड लाइन देखें। अब स्केयर की तरफ, यानी वो जो पॉजिटिव के और नेगेटिव के है उसके ऊपर फ्लक्चुएट कर रही है और थोड़ी थोड़ी स्केयर जैसी शेप हो रही है। अब जरा अगर आप, लेट्स से आपके पास कंप्यूटर है या एक्सेल में ये करें, मजीद टर्म्स ऐड करें, एस नाइन, एस थर्टीन, एस 25, जैसे जैसे नई टर्म्स आप ऐड करेंगे आप देखेंगे कि जो फंक्शन है, जो सम है, वो उस ओरिजिनल पीरियोडिक फंक्शन की शेप में होता जाएगा, ठीक है। सो अब ये फाइनली अगर 25 टर्म्स ऐड की हैं तो आप देखेंगे जो शेप है वो बिल्कुल स्केयर फंक्शन जैसी हो रही है, और आइडियली अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करेंगे तो आप एग्जैक्टली पीरियोडिक फंक्शन हासिल कर लेंगे। तो इस स्पेसिफिक केस में हमने देखा कि जरूरी नहीं है S25 पे आप जाएं, इवन S13 पर अगर आप देखें तो शेप ऑलमोस्ट जो है वो स्केयर फंक्शन जैसी हो गई है। अगर के जो है वो +10 और -10 अगर रखा जाए, तो +10 और -10 के दरमियान ये स्केयर की शक्ल में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, जो एरर है वो बहुत कम रह गया। सो हमने ये देखा कि ये स्केयर, ये जो सीरीज है, अगर इसको सम को प्लॉट करें तो ये क्विकली कन्वर्ज करती है स्केयर फंक्शन की तरफ, और आइडियली तो इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए, लेकिन अगर आपने एक अच्छी कन्वर्जेंस हासिल करनी है प्रैक्टिकल केसेस में, जस्ट फ्यू टर्म्स आर सफिशेंट, ठीक है। सो इस केस में, इस स्केयर फंक्शन के केस में, और बल्कि किसी भी केस में, आप जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा टर्म्स तक आगे जाएं, आप पहली कुछ टर्म्स अगर ले लें तो आप ऑलमोस्ट वही फंक्शन अचीव कर लेते हैं। सो ऑनली अ फाइनाइट सीरीज इज गुड इनफ। तो इस केस में हम देखेंगे कि ए नॉट और ए वन तो वैसे ही जीरो थे, तो सीरीज में सिर्फ ये तीसरी टर्म ही थी। इसमें भी हम एन वन से इन्फिनिटी तक नहीं जाते बल्कि एक कैपिटल एन तक जाते हैं, वेयर एन इज फाइनाइट नॉट इन्फिनिटी। तो पहली 10 टर्म्स या 8 टर्म्स अगर ऐड कर लें तो हम रीजनेबल एक्यूरेसी से वही फंक्शन हासिल कर लेते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को जरा अप्लाई करें पीरियोडिक लोडिंग के ऊपर, कि अगर वो पीरियोडिक फंक्शन पी ऑफ टी एक पीरियोडिक लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस पीरियोडिक फंक्शन को उसकी फोरियर सीरीज से डिकम्पोज करते हैं, और फिर हम द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ईच साइन एंड कॉस लोडिंग्स इन द सीरीज, हम इनको सम कर लें तो टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स ऑफ अ पीरियोडिक लोडिंग इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स टू द फोरियर सीरीज ऑफ दैट लोडिंग। तो हम फोरियर सीरीज उसकी बनाएंगे और उसकी पहली कुछ टर्म्स जो कि साइनोसाइडल होंगी या कोसाइनोसाइडल होंगी,
उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट करके उन रिस्पॉन्सेज को जमा कर देंगे, तो ये एक्चुअल पीरियोडिक लोडिंग के का रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास। तो सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो दो लोडिंग्स हैं, अगर लेट से आपके पास दो लोडिंग्स हैं P1 ऑफ टी और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है वो U1 ऑफ टी है, और फिर दूसरी लोडिंग है P2 ऑफ टी, दोनों दूसरी डायनामिक लोडिंग, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स U2 ऑफ टी है। अगर ये दोनों लोडिंग्स जमा करके अप्लाई कर दी जाए, P1 ऑफ टी प्लस P2 ऑफ टी अप्लाई कर दी जाए स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो U1 ऑफ टी प्लस U2 ऑफ टी होगा। अगर ये चीज होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि ये सुपरपोजिशन होल्ड करती है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर्स पे करती है, बिकॉज लीनियर स्ट्रक्चर ने तो हमेशा F इज इक्वल टू के यू फॉलो करना है। तो आप अगर एक P1 पहले लगा दें, स्ट्रक्चर यहां पे पहुंच गया है, अगर लीनियर की अगर स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं, तो आपने P1 लगाया, उसके बाद P2 लगाया, स्ट्रक्चर ने तो लीनियर फॉलो करना है, तो P2 लेट से बड़ा लोडिंग था वो आपने बाद में लगाई, तो स्ट्रक्चर उसी लाइन पे आगे चला जाएगा। यही काम अगर आप P2 पहले लगा लें और P1 बाद में लगाएं, तो भी आप फाइनली उसी नुक्ते पे पहुंचेंगे, फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, और P1 के अगेंस्ट अगर रिस्पांस इंडिविजुअली U1 था, P2 के अगेंस्ट U2 था, तो टोटल के अगेंस्ट जो रिस्पांस होगा वो U1 प्लस U2 होगा लीनियर लाइन फॉलो करने की वजह से। सो द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डजंट मैटर इन लीनियर सिस्टम्स, ये कहलाती है सुपरपोजिशन, कि हम दो फोर्सेस को अलग अलग अगर अप्लाई करके रिस्पॉन्सेज निकाल रहे हैं तो उनका सम के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी जो है वो उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का सम होगा। नॉन लीनियर सिस्टम्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये लाइन लीनियर ना रहे, नॉन लीनियर बन जाए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैटर्स, क्योंकि अब लीनियर लाइन फॉलो नहीं हो रही। अगर लेट से P2 पहले लगा दिया, स्ट्रक्चर यील्ड हो गया, अब P1 छोटी फोर्स लगाने से भी सिग्निफिकेंट डैमेज आगे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर पहले P1 लगाया बाद में P2 लगाया तो रिस्पांस बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो उस केस में द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल मैटर। लेकिन अभी हम लीनियर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक U1 रिस्पॉन्स है P1 के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन होल्ड करती है। इसी तरह अगर U2 रिस्पॉन्स है P2 के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन भी होल्ड करती है। तो अब हम देख सकते हैं क्विकली कि अगर P1 और P2 का सम लग जाए तो U1 और U2 का सम रिस्पॉन्स बन जाएगा, बिकॉज आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें सिंपली, तो आप देखेंगे कि वही इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब जो फोर्स अप्लाइड है वो P1 प्लस P2 है, और रिस्पॉन्सेज जो है उनमें जिधर जिधर भी U आ रहा था वहां पर हम दोनों का सम आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है U1 प्लस U2 इज द रिस्पॉन्स टू P1 प्लस P2। सो ये आइडिया अप्लाई किया जा सकता है सुपरपोजिशन का पीरियोडिक लोडिंग के सिनारियो में। सो लेट से हमारे पास P ऑफ T है A नॉट प्लस ये फोरियर सीरीज है, और अभी स्केयर फंक्शन ही की अगर बात करें, यानी बल्कि आप जनरल बात करते हैं कि इस लोडिंग के अगेंस्ट रिस्पांस क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स के अगेंस्ट रिस्पांस क्या होगा बेसिकली। तो पहला कंपोनेंट तो है A नॉट, कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट रिस्पांस भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो लिहाजा यू नॉट ए का मतलब है ए नॉट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स, और ये सिंपली इक्वल होगा जो कॉन्स्टेंट फोर्स है डिवाइडेड बाय स्टिफनेस, तो ये वही P ओवर K एक तरह का कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गई। लेकिन जो अगली टर्म्स हैं कॉस की और साइन की, उनमें अगर आप देखें तो वो साइनोसाइडल हैं। सो सबसे पहले तो एक साइनोसाइडल फोर्स लेते हैं। सो किसी भी nth कंपोनेंट की अगर बात करें, बी एन साइन एन ओमेगा बार टी, वेयर एन कुछ भी हो सकता है, ये अगर फोर्स हो तो इसके अगेंस्ट जो रिस्पांस होगा यू ऑफ टी, पहले तो यह है कि उसका सिंबल कर देते हैं यू बी एन, ठीक है, और वो इक्वल होगा, उसमें फर्क क्या होगा कि ये जो बी एन है इसको तो हम लेंगे पी नॉट के इक्वल, क्योंकि हम हार्मोनिक का रिस्पांस पढ़ चुके हैं, तो पी नॉट लेंगे ये, और दूसरा आप यहां पर ओमेगा बार टी की बजाय एन ओमेगा बार टी है। सो लिहाजा आप बीटा जो हमने एक सिंबल इंट्रोड्यूस कराया था जो कि थी फ्रीक्वेंसी रेशो, बीटा ओरिजिनली था ओमेगा बार ओवर ओमेगा,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड हार्मोनिक फोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। अब उसकी जगह एक बीटा सब एन डिफाइन करवाते हैं जो कि एन टाइम्स ओमेगा बार ओमेगा होगा। इसका मतलब है बीटा एन विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ बीटा वन, क्योंकि अगर बीटा वन कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंपली ओमेगा बार ओवर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, सो जो ओरिजिनल बीटा था उसको हमने बीटा वन कह दिया और एन टाइम्स बीटा वन जो होगा वो बीटा सब एन, ये नोटेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, सो यू बी एन टी इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स यानी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन टू दिस हार्मोनिक कंपोनेंट विच इज साइनोसाइडल। तो एक फर्क तो ये हमने उसमें डालना है, उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिराइव की थी। एक तो ये कि बी एन जो है वो पी नॉट बन जाएगा हमारा, सो देखें यहां पर बी एन ओवर के है, पी नॉट ओवर के है। और दूसरा फर्क ये होगा कि हम अब बीटा की जगह बीटा एन इस्तेमाल करेंगे विद दिस डेफिनेशन, क्योंकि हमारे एंगल में एन टाइम्स ओमेगा बार आ गया ना कि सिंपल ओमेगा बार। इन दो डिफरेंसेस के साथ वही जो साइनोसाइडल की इक्वेशन है जो हमने यू पी ऑफ टी के लिए डिटेल्ड इक्वेशन बनाई थी, वो डिटेल्ड इक्वेशन मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी जिसको बाद में सिंप्लीफाई करके कैपिटल डी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, उससे एक स्टेप पहले की जो इक्वेशन है वही ये इक्वेशन है। पी नॉट ओवर के वन ओवर वन माइनस बीटा एन स्केयर का स्केयर प्लस टू जाई बीटा एन का स्केयर, कोई कांस्टेंट इनटू साइन, दूसरा कांस्टेंट इनटू कॉस, विद वन डिफरेंस कि अब बीटा की जगह बीटा एन आ गया और एन पाई एन ओमेगा बार आ जाएगा एंगल्स में और पी नॉट की जगह बी एन आ जाएगा। तो ये वही इक्वेशन है जो यू पी की इक्वेशन हमने बनाई थी, डिटेल्ड इक्वेशन यू पी की। बाद में फिर इसको कंडेंस किया था और कैपिटल डी से की इजम्पशन, वो इजम्पशन तो नहीं यानी सिंबल उसको असाइन करके सिंप्लीफाई कर दिया था। सो इसकी अगली स्टेप, अगले स्टेप में हमने इसको पी नॉट ओवर के इंटू बेसिकली यू स्टैटिक बन गया था ये इंटू कैपिटल डी इंटू साइन ओमेगा बार टी कर दिया था। सो इससे पहले की जो स्टेप की इक्वेशन थी वो ये डिटेल्ड इक्वेशन थी जिसमें अब हमने ये चेंजेस करके इसको हार्मोनिक कंपोनेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। सो इसका मतलब है ये इक्वेशन और ये नीचे वाली इक्वेशन डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकती हैं अब टू कैलकुलेट रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ हर दिस फोरियर सीरीज। ये जो ए वाली है इसके लिए भी देख लें, इसका रिस्पॉन्स जो है वो यू ए एन कह देते हैं इसको, और वो होगा ए एन ओवर के। और फर्क ये होगा कि वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि साइन और कॉस के कोफिशंट्स आपस में रिप्लेस हो जाएंगे इस डिफरेंस के साथ, बाकी जो कॉस फंक्शन है वो भी सेम ही रिस्पॉन्स उसका आएगा। तो इसका मतलब है कि आप बजाय कि नई इक्वेशन डिराइव करने के, अब हम डायरेक्टली ये इक्वेशन जो कर चुके हैं यही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ऐड कर लें ए यू यू ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ओवर के, जो ये ऊपर वाली इक्वेशन थी। सो इसका मतलब है अब ये जो तीन इक्वेशन आपको नजर आ रही हैं बस ये बार बार रिपीटेडली अप्लाई करें। खैर ये नीचे वाली तो एक ही दफा होगी, लेकिन ये जो ऊपर वाली दो हैं इनमें एन को वन रखें एन को टू रखें, रिपीटेडली अप्लाई करें और हर हार्मोनिक जो कंपोनेंट है उसका अलग से रिस्पांस आपके पास आता जाएगा। अगर आपने लेट से एन फाइव तक जाना है, पहली पांच टर्म्स को ऐड करना है, तो आप एन को वन टू थ्री फोर फाइव रखें, जो ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इनको जमा करें तो आपके पास हारमोन पीरियोडिक फोर्स का रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अगर इसको कंबाइन करके मैं टोटल लिख के बताऊं तो उस केस में बन जाएगा ये ए नॉट ओवर के, सॉरी ये ए नॉट ओवर के, असल में वन ओवर के कॉमन ले लिया वो तीनों में आ रहा था और बाकी इनको जोड़ लिया। इनमें क्योंकि ये चीज जो है ये कांस्टेंट है, पूरी चीज दोनों में कांस्टेंट है, इसी तरह साइन और कॉस की टर्म्स इकट्ठी की जा सकती हैं। सो लिहाजा इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें, इनको सम कर लें तीनों इक्वेशंस को, तो ये आपस में कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ कॉमन आ जाएंगी, फाइनल इक्वेशन यू ऑफ टी की ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये समेशन आ रहा है वन से लेके एक्चुअली इन्फिनिटी तक, लेकिन आप कुछ फाइनाइट टर्म्स तक भी जा सकते हैं। सो ये फाइनल इक्वेशन है रिस्पॉन्स टू अ पीरियोडिक लोडिंग, लेकिन ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है बिकॉज हमने इसमें यू पी इस्तेमाल किया है, टोटल यू इस्तेमाल नहीं किया था।
सो मोस्टली हम चूंकि इसी में इंटरेस्टेड होते हैं, लिहाजा ये कंबाइंड रिस्पॉन्स है अगेंस्ट अ पीरियोडिक लोडिंग। इसमें सब चीजें नोन है, कोई भी पीरियोडिक लोडिंग है उसका कोई टी होगा, टी बार उसको कह दें, उससे आप ओमेगा बार निकाल सकते हैं, उससे आप बीटा एन निकाल सकते हैं बिकॉज एन तो आप खुद वेरी करवाएंगे। इसी तरह जाई गिवन होगा स्ट्रक्चर का, इसके अलावा ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री वगैरह आप फोरियर एक्सपेंशन से कैलकुलेट करेंगे पहले, और इसी तरह बाकी सब चीजें भी, के जो है वो भी गिवन है, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। सो सब कुछ नोन है इसमें, बस आपने पुट करना है, लेकिन एन को बार बार 1, 2, 3, 4 जितनी टर्म्स आप ऐड करना चाह रहे हैं उतना आप एन को वेरी करवाएंगे और यूं यू ऑफ टी आ जाएगा पीरियोडिक लोडिंग के अगेंस्ट। सो लिहाजा हमने एक बड़ा पावरफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके फोरियर सीरीज यानी हमने रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक लोडिंग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। अब ये किसी भी शेप की हो सकती है, बस फर्क ये है कि आपको उसका ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री वगैरह, इसी तरह बी वन, बी टू, बी थ्री वगैरह जो है ये पहले कैलकुलेट करने होंगे। सो यानी फोरियर एक्सपेंशन पहले उसकी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे काम सिंपल है कि बस वो तो हर टर्म एक साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है जिसका रिस्पॉन्स एक इक्वेशन से आपको डायरेक्टली अवेलेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल एक पीरियोडिक लोडिंग लें ऐसे, जैसे ये लेट से पीरियोडिक लोडिंग है, इनपुट लोडिंग जो ये आपको लीनियर इंक्रीज फिर लीनियर डिक्रीज, ठीक है, यानी ये एक यू समझ लें ट्रायंगुलर काइंड ऑफ लोडिंग है। जी, देखें हमने यहाँ पर फोरियर एक्सपेंशन में एक्सपैंड कर लिया है एक फंक्शन को कई टर्म्स के अंदर। अब हर टर्म का हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हर टर्म असल में हार्मोनिक फंक्शन है, और हमारी इक्वेशन जो हमें हार्मोनिक, एक हार्मोनिक फंक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हमें पता है जो हम लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। सो लिहाजा अभी हमने ये किया कि किसी एक जनरल टर्म के लिए रिस्पॉन्स लिखा इस सीरीज में से भी और फिर इस सीरीज में से भी, और उन फिर रिस्पॉन्सेज को जमा किया बिकॉज ये आपस में सीरीज भी तो ऐड अप हो रही है ना, ये आपस में ऐड अप होके तीनों चीजें वो फंक्शन बनाएंगी। तो लिहाजा हमें पहले तो रिस्पॉन्स एक फंक्शन का पता था, ठीक है, एक सॉरी टर्म का पता था इन दैट होल सीरीज, तो वो एक टर्म का रिस्पॉन्स लिखा और फिर उनको जमा कर दिया, ठीक है, तीनों चीजों को, बिकॉज एक्चुअल पी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस होल थिंग प्लस दिस होल थिंग प्लस अगेन दिस होल थिंग, ठीक है, बेसिकली ये एक्चुअल अब यू ऑफ टी बन जाएगा बिकॉज ये रिस्पॉन्सेज है तो एक्चुअल यू ऑफ टी। सो लिहाजा पहले तो हमने इंडिविजुअल टर्म्स का लिखा और फिर उसके बाद उनको एड अप कर दिया बिकॉज एक्चुअल फंक्शन उन तीनों का एड अप था, लिहाजा रिस्पॉन्स भी एड अप होगा। तो जो सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है वो असल में इस स्लाइड पे आके लगाया, यहां पर सुपर पोजिशन की है कि रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स इन द फोरियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द टोटल रिस्पॉन्स। सो यहां पर हमने ए नॉट का रिस्पॉन्स, ए वन की सारी टर्म्स का रिस्पॉन्स और ए टू की और बी बी वन, बी टू, बी थ्री वगैरह की सारी का रिस्पॉन्स जमा कर दिया। सो अब हम एक ट्राइंगुलर पीरियोडिक लोडिंग लेते हैं जो ये रेड लाइन से शो हो रही है, यही पैटर्न लेट से 0 से 2 पाई तक फॉलो कर रही है, और इसका जो लेट से के ओमेगा बार भी गिवन है और पीक लोडिंग वगैरह भी गिवन है। जब आप इसकी फोरियर सीरीज करेंगे, फोरियर एक्सपेंशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें भी ए नॉट और जो ए वन वगैरह वो 0 आएगा, नहीं बल्कि फोरियर एक्सपेंशन इसकी मैं आगे कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, देखें कि ओमेगा बार जो अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो है 1 लेट से, और ओमेगा जो स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी है वो है 5। तो अगर आप बीटा 1 कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आएगा 0.2, बीटा 3 कैलकुलेट करेंगे इस केस में आप देखेंगे वो 3, क्योंकि बीटा एन इक्वल होता है एन टाइम्स बीटा 1, तो आप जब बीटा 5 कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो फिफ्थ टर्म होगी
आपकी रिस्पॉन्स की, या फोरियर एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म होगी अप्लाइड लोडिंग की, वो आपके स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेंस करेगी, ठीक है। यानी पांचवा बीटा जो है वो आपका 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्मोनिक लोडिंग के केस में तो आपका एक ही बीटा की वैल्यू थी और आप देखते थे कि वो 1 है या नहीं है। अगर वो 1 है तो आप रेजोनेंस केस में हैं, वरना रेजोनेंस से दूर हैं। लेकिन यहां पर क्या है, आइडियली इनफाइनाइट साइनोसाइडल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। आप उनमें से कुछ पहली चंद फाइनाइट फोर्सेस ले रहे हैं, पहली कुछ टर्म्स ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि अब चूंकि पांच लेट से आपने पांच टर्म्स ली हैं इस एग्जाम्पल में, लेट से तो पांचवी टर्म आपकी रेजोनेंस करेगी स्ट्रक्चर के साथ, पहली चार टर्म्स नहीं करेंगी। तो पांचवी टर्म के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आप कैलकुलेट करेंगे वो आप देखेंगे कि वो बहुत हाई आएगा कंपेयर टू पहली चार। सो उस केस में आप देखेंगे कि जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है, जो पांचों का जमा है, वो पांचवें टर्म की रिस्पॉन्स से ही डोमिनेट हो रहा होगा, रेजोनेंस रिस्पॉन्स से ही डोमिनेट हो रहा होगा। पहली चार का रिस्पॉन्स बहुत कम होगा जब आप जमा करेंगे, पांचवी का बहुत हाई होगा बिकॉज पांचवी टर्म रेजोनेंस कर रही है। सो लिहाजा आप इसका मतलब है कि आपकी अप्लाइड लोडिंग के अंदर अगर पांच टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी अप्लाइड लोडिंग में पांच फ्रीक्वेंसीज हैं, पांच हार्मोनिक फोर्सेज हैं जिनका जमा होकर आपकी अप्लाइड लोडिंग बन रही है, और उन पांचों में से किसी के साथ भी आपका स्ट्रक्चर रेजोनेट कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक लोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। सो अब आपको कोई भी पीरियोडिक फंक्शन गिवन हो जो आपकी लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आप उसकी क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, आप उसकी फोरियर एक्सपेंशन करेंगे, यानी ए नॉट, ए वन, ए टू, इसी तरह बी वन, बी टू, बी थ्री वगैरह कैलकुलेट करेंगे। इनसे आपको पहली पांच सात टर्म्स मिल जाएंगी, जब ये कोफिशेंट्स आ जाएंगे तो कुछ टर्म्स मिल जाएंगी जो जिनका सम होके आपका वही पी ऑफ टी आ रहा होगा। अब आपने उन इंडिविजुअल टर्म्स को हार्मोनिक लोडिंग की तरह ट्रीट करना है। ए नॉट को तो खैर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, आगे जितनी भी हैं उनको हार्मोनिक लोडिंग की तरह ट्रीट करना है। कुछ कॉस फंक्शंस होंगे, कुछ साइन फंक्शन होंगे, और उनके रिस्पॉन्सेज आपको ऑलरेडी पता है। तो सबकी अगर 10 10 टर्म्स ले रहे हैं तो 10 रिस्पॉन्स आएंगे, उनको जमा करेंगे, 10 रिस्पॉन्सेज को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल पी ऑफ टी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो कुछ टर्म्स का रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, और जो टर्म रेजोनेंस कर रही होगी वो आपको पता चल जाएगा बिकॉज उस टर्म का बीटा 1 होगा, उसका रिस्पॉन्स डोमिनेट करेगा स्ट्रक्चर के ओवरऑल रिस्पॉन्स में। सो अब कुछ रिस्पॉन्सेज, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, कॉमन पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं, जो उनकी फोरियर सीरीज देख लें जरा। लेट्स से एक फंक्शन है जो अभी हमने, बल्कि ये वही है स्केयर फंक्शन, तो इसकी तो हमने अभी की है फोरियर एक्सपेंशन। हमने देखा है कि वो उसमें ए नॉट भी जीरो था, बी इसी तरह ए वन, ए टू, ए थ्री वगैरह भी जीरो थे, ये सब जीरो थे, सिर्फ साइन वाली टर्म्स रह गई हैं, यानी बी वन, बी टू, बी थ्री वगैरह नॉन जीरो थे। और बी एन हमने जनरली देखा था वो था 4 टाइम्स के ओवर सम, आई थिंक 3 पाए था या कुछ था इस तरह ही। सो के उसमें वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था जिस तक आपका फंक्शन जा रहा है, इस केस में वो स्मॉल ए है तो वो स्मॉल ए यहाँ पे आ गया। सो इसी तरह ये, सॉरी, यहाँ पे एन पाए था, तो ये वही बन जाती है इक्वेशन। सो इसकी बड़ी सिंपल सी, इस फंक्शन की बड़ी सिंपल फोरियर एक्सपेंशन है, इतनी सिंपल है कि आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसकी एक जनरल शेप है साइन एन पाए ओवर एन, और इसी तरह बाहर वाला जो कांस्टेंट है वो भी सिंपल है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनमें ए वन टू थ्री भी नॉन जीरो हो और ए नॉट भी नॉन जीरो हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, ये एक ऐसा फंक्शन है जो जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पर गया, वहां पे कॉन्स्टेंट रहा, फिर जीरो हो गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर दोबारा नेगेटिव में हो गया। तो ये स्केयर फंक्शन ही है, लेकिन अब स्केयर जो है वो कुछ गैप के साथ हैं, ऐसे नहीं है कि एक पॉजिटिव से दूसरे, पॉजिटिव से डायरेक्टली दूसरे नेगेटिव पे चला गया, बल्कि कॉन्स्ट जीरो पे आके कुछ देर कांस्टेंट रहा, फिर नेगेटिव पे गया। ऐसा फंक्शन जो होगा वो फिर उसकी फोरियर एक्सपेंशन इस तरह की होगी। इसमें आप देखें, इसमें भी कॉस्ट टर्म सारी जीरो हैं,
और ए नॉट भी जीरो है, सिर्फ बी एन इसमें थे जिनकी वजह से ये जनरल फॉर्म बन गई। ये एक और देखें, ये भी स्केयर फंक्शन है लेकिन ये एक ही साइड पर है और गैप्स के साथ है, तो इसमें अब सिर्फ कॉस, इसमें बल्कि कॉस और साइन दोनों है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ए नॉट जीरो था, इसमें ए वन ए टू ए थ्री भी नॉन जीरो है और साइन वाली टर्म्स भी हैं, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जो है इसकी फोरियर एक्सपेंशन बन रही है। ये देखें, ये ट्रायंगुलर फंक्शन है और इसकी फोरियर एक्सपेंशन काफी सिंपल है, यानी आमतौर पे हमें नजर आ रहा है कि जो भी फंक्शन साइन एक हार्मोनिक टाइप का होता है वो उसकी फोरियर एक्सपेंशन भी बड़ी सिंपल होती है, उसमें सिर्फ साइन टर्म्स होती हैं, वो ही एड अप होके वो फंक्शन बना देती हैं। सो ये इक्वेशंस भी बाय द वे इन सारे फंक्शंस की पीस वाइज इक्वेशन अवेलेबल हैं, एक टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन बनाई गई है। ये भी ट्राइंगुलर है लेकिन एक ही साइड पर है, इसमें देखें सिर्फ कॉस टर्म्स आ रही हैं और इसमें देखें एक कॉन्स्टेंट भी आ गया, यानी ए नॉट भी आ गया। ये भी एक यूं समझ लें कि लीनियर इंक्रीज या ट्राइंगुलर फंक्शन ही है लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है, ये उसकी फोरियर एक्सपेंशन है। ये भी सेम फंक्शन है, लीनियर इंक्रीज है लेकिन अब गैप्स के साथ है, तो इसमें देखें सब कुछ ही है, कॉन्स्टेंट भी है, फिर ये कॉस टर्म्स भी हैं, फिर साइन टर्म्स भी हैं, तो ये बड़ी डिटेल्ड फोरियर एक्सपेंशन है। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास एक और लीनियर इंक्रीज का फंक्शन है, इस केस में ये लीनियर इंक्रीज होता है फिर जीरो हो जाता है, फिर लीनियर इंक्रीज होता है जीरो हो जाता है, इस केस में भी ये इसकी फोरियर एक्सपेंशन है। एक और देखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको इसकी मैंने आपको यहाँ पे फोरियर एक्सपेंशन नहीं दिखाई, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि चार इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशन एक ही साइकिल के अंदर चाहिए इसको, एक साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए। लीनियर इंक्रीज होता है फिर कॉन्स्टेंट होता है फिर लीनियर डिक्रीज होता है, दूसरी तरफ जाता है फिर कॉन्स्टेंट होता है फिर दूसरी डायरेक्शन में लीनियर इंक्रीज होता है। सो इसकी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फोरियर एक्सपेंशन होगी, ये आपको बुक्स में मिल जाएगी, इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस की आपको फोरियर एक्सपेंशन मिल जाएगी। सो अगर आपको फोरियर एक्सपेंशन अवेलेबल कर दी जाए किसी भी फंक्शन की, या आप डेवलप कर लें, तो आगे तो आप वही पिछला चैप्टर ही अप्लाई कर सकते हैं बार बार, जितनी टर्म्स को आप चाहें ऐड कर सकते हैं। जाहिर है कि अब ये काम मैन्युअली करना मुश्किल होगा, आपको यकीनन कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होगी, या आप इसको प्रोग्राम करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, अगर आपने 8-10 टर्म्स ऐड करनी है तो एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन ब्यूटी इसकी ये है कि हर टर्म का जो रिस्पॉन्स है वो क्लासिकली एक इक्वेशन से डिस्क्राइब हो रहा है जिसको इजीली कोड किया जा सकता है। ये ये खूबी आपको तब समझ आएगी डिटेल से जब आप न्यूमेरिकल मेथड अगले लेक्चर में देखेंगे, रैंडम वाइब्रेशंस के अगेंस्ट रिस्पांस जब आप कैलकुलेट करेंगे, यानी एक ऐसा अप्लाइड लोडिंग है जो फंक्शन से डिस्क्राइब ही नहीं हो सकता, वो न्यूमेरिकली डिस्क्राइब हो सकता है, टाइम टी जीरो पर ये वैल्यू, 0.01 पर ये वैल्यू। सो उस केस में जो अप्लाइड लोडिंग है वो कुछ इस किस्म की होगी, यानी बिल्कुल छोटे से डेल्टा टी के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर डेटा अवेलेबल होगा, न्यूमेरिकली डिफाइंड होगा। उसके अगेंस्ट जब आप सिंगल डिग्री का रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर इक्वेशन से, एक सिंपल इक्वेशन से या एक इक्वेशन से रिस्पांस को क्लोज फॉर्म इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सके तो ये क्लासिकली बड़ा एलिगेंट सॉल्यूशन होता है विदाउट एनी एरर। जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई अजम्पशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से रिस्पॉन्स में एरर भी इंड्यूस होता है, लेकिन अभी आप पीरियोडिक लोडिंग तक कम से कम क्लासिकल रिस्पांस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंपल्स लोडिंग के अगेंस्ट रिस्पांस, बड़ा सिंपल है वो भी, एक सिंपल सी रेक्टेंगुलर इंपल्स लोडिंग, यानी एक ऐसी लोडिंग जो विद इन नो टाइम जीरो से किसी वैल्यू पर गई और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड तक बस रही और उसके बाद विद इन नो टाइम दोबारा जीरो पे आ गई। इस किस्म की डायनामिक लोडिंग जो कि किसी इम्पैक्ट की वजह से स्ट्रक्चर पे आ सकती है, ब्लास्ट लोडिंग से, ब्लास्ट की वजह से ये लोडिंग आ सकती है। सो इस किस्म की लोडिंग के लिए रिस्पांस कैलकुलेट करना देखेंगे, और वो भी क्लासिकल सॉल्यूशन U ऑफ T डिराइव किया जाना मुमकिन होगा हमारे लिए, लेकिन उसके बाद जब रैंडम पर जाएंगे तो फिर क्लासिकल सॉल्यूशन मे नॉट बी पॉसिबल,
दो मेथड्स उसके पढ़ेंगे, एक में क्लासिकल सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, एक में नहीं होगा। उसके लिए फिर न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम इंपल्स लोडिंग पढ़ेंगे।